दोस्तों आप सभी को नमस्कार। आज हम सभी एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक क्षण में इकट्ठे हैं। अयोध्या में श्री राम मंदिर के भव्य निर्माण का कार्य खत्म हुआ, जिसका हमें बहुत लंबे समय से इंतजार था। ये एक सपने का साकार होना है, जिसका हम सभी बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे। दोस्तों, प्रभु श्री राम के भक्तों के लिए यह एक स्वप्न सा महसूस हो रहा है कि आज हम उनकी नगरी में हैं और उनके मंदिर का उद्घाटन हो रहा है। यह एक ऐसा क्षण है जिसमें हम सभी को गर्व है और हमारा दिल हर्ष से भरा हुआ है। दोस्तों, शुभारंभ हो चुका है वैदिक मंत्रों और रीति रिवाजों के साथ। पूरे देश से आए श्रद्धालु इस पवित्र घड़ी का साक्षी बन रहे हैं, जो एक सदियों से चली आ रही इस अद्वितीय सपने की समाप्ति का संकेत कर रही है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर क्षेत्र पहुंचकर अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों के साथ मिलकर इस पवित्र घड़ी की उत्सवपूर्ण शुरुआत की है। योगी आदित्यनाथ समेत अन्य शीर्ष नेताओं का भी सम्मान किया जा रहा है। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने सभी को संबोधित किया इस दिन की खुशी का अनुभव करने पर खुश होते हुए। उन्होंने राम मंदिर को भारतीय सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर का प्रतीक बताया। दोस्तों, पवित्र प्राण प्रतिष्ठा समारोह शुरू हो चुका है, जिसे कुशल और श्रद्धेय पुरोहितों द्वारा किया जा रहा है। वैदिक मंत्रों की ध्वनि से महोत्सवपूर्ण आत्मस्थिति बनी हुई है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद इस बड़े क्षण का समय आ गया है। नए प्रतिष्ठित राम लल्ला की मूर्ति को अनावरण किया जा रहा है, जिससे संदर्भ में दिव्य उपस्थिति का प्रतीक बनेगा। उपासनात्मक संगीत और सांस्कृतिक कार्यक्रम इस उत्सव को और भी रंगीन बना रहे हैं। प्रसिद्ध कलाकार भगवान राम को समर्पित सुरीले संगीत का आनंद ले रहे हैं। यह घड़ी पूरे देश में प्रसारित हो रही है, जिससे देश के हर कोने के लोग इस ऐतिहासिक उत्सव का हिस्सा बन सके। दोस्तों, इस मौके पर हम सभी को गर्व है कि हम इस ऐतिहासिक क्षण का हिस्सा बन रहे हैं और हम सभी का साथ है इस महत्वपूर्ण कार्य में। हम सभी को एक नए और समृद्धि भरे भविष्य की कड़ी में मिलकर काम करने का संकल्प लेना चाहिए। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें आगे बढ़ने की उम्मीद बढ़ाता है। धन्यवाद। जय श्री राम।